प्लैनेट 9 एक संभावित ग्रह है जो शायद हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हो सकता है। तो आज हम इसी ग्रह के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे जो शायद ही आपको पता होगा। प्लैनेट 9 के अस्तित्व का सुझाव पहली बार 2016 में कैलटेक के विशेषज्ञों द्वारा दिया गया था, जब उन्होंने सौर मंडल के किनारों पर क्यूपर बेल्ट में बर्फीले वस्तुओं के एक समूह को झुका हुआ देखा था। अनुमान यह लगाया है कि सौर मंडल के बाहरी भाग में क्यूपर बेल्ट से भी आगे प्लैनेट 9 मौजूद हो सकता है। कई खगोल शास्त्रियों का यह भी मानना है कि नेपच्यून ग्रह के पार वस्तुओं के ऑर्बिट्स का अध्ययन कर यह प्रस्ताव दिया गया है कि इन कक्षाओं के पीछे सूरज से दूर क्षेत्र में परिक्रमा करते हुए एक बड़े आकार के ग्रह का ग्रेविटेशन फोर्स ही हो सकता है। उनका कहना है कि यह एक सुपर अर्थ हो सकता है जो हमारे अर्थ से 10 गुना ज्यादा मास रखता हो। इसके पास हाइड्रोजन हीलियम का बना एक घना एटमॉस्फेयर भी हो सकता है और संभव है कि यह इतना दूर हो कि इसे सूरज की मात्र एक परिक्रमा करने के लिए 14,000 साल से 20,000 साल का वक्त लगता होगा। जब एस्ट्रोनॉट्स ने नेपच्यून प्लैनेट के पीछे एक अजीब फोर्स नोटिस की तो इससे बात शुरू हो गई कि प्लैनेट 9 सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। यही नहीं, एस्ट्रोनॉट्स की माने तो ऐसे कई सारे प्लैनेट थे जिनके ऑर्बिट्स आपस में टकरा रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि यह कार्य बिना किसी आउटर फोर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है, अनुमान लगाया है उन्होंने कि अब प्लैनेट 9 भी हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सच में प्लैनेट 9 हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है? क्या फ्यूचर में हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स की जगह 9 प्लैनेट्स होंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे क्वांटम टेलीविज़न चैनल के फैमिली का हिस्सा बन जाइए। धन्यवाद।